गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में मैं आज आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होता है तो उसमें कुछ चीज क्वेश्चंस बताऊंगी। जैसे कि पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन धात्विक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक धात्विक परमाणु कार्बन यानी जो धातु जुड़ी हो, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, धातु जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या कहेंगे, कार्बन धात्विक यौगिक कहेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत क्या वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन धात्विक यौगिक का तात्पर्य क्या होता है कि जिसमें एक या एक से अधिक धात्विक परमाणु कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं अपन कार्बन धात्विक यौगिक। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग आता है, जैसे एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, डाई एथिल जिंक, है ना, तो जिंक धातु हो गया, ब्रोमाइड भी धातु हो गया, कैल्शियम एसीटेट, तो कैल्शियम क्या हो गया इसमें धातु हो गया। अब देखिए क्या होता है कि आपको कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो आपको कभी पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कार्बनिक यौगिक, जो कि कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत क्या कार्बन धात्विक यौगिक आते हैं, कार्बन के साथ जो धातु जुड़ी होती है उसे हम कार्बन धात्विक यौगिक कहते हैं। अभी आप देखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछ सकता है कि कार्बन मैग्नीशियम यौगिक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX समझाइए। कार मैग्नीशियम, कार्बन के साथ मैग्नीशियम का जुड़ा होना कार मैग्नीशियम कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल ऑफ द, तो इसमें किसके लिए पूछा कार, तो मैग्नीशियम के कार्बन धात्विक यौगिक को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, जो मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के कार्बन धात्विक यौगिक को हम क्या कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, 1990 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इस बात की खोज की, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। ये मैग्नीशियम धातु सूक्ष्म ईथर की उपस्थित में, मैग्नीशियम धातु जब सूक्ष्म ईथर की उपस्थित में एल्किन हैलाइड से क्रिया, मतलब मैग्नीशियम किसकी उपस्थित में, लेकिन सूक्ष्म ईथर की उपस्थित में जब एल्किन हैलाइड से क्रिया करती है तब क्या मिलता है अपन को, एल्किन मैग्नीशियम हैलाइड यानी RMGX प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा RMGX बनता है, जो ईथर में क्या होता है घुल जाता है। बाद में ये यौगिक का नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रखा गया, तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मीन्स RMGX, R मीन्स कोई भी एल्किन हैलाइड हो सकते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, MG है, और X मीन्स क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो हैलोजन्स कहलाता है। अब देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को सूक्ष्म ईथर की में एल्किन हैलाइड और मैग्नीशियम पर क्रिया से बनाया जा सकता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को सूक्ष्म ईथर की उपस्थित में, तो सूक्ष्म ईथर की उपस्थित, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा R मीन्स R की जगह CH3 रख दिया, X की जगह I रख दिया, और MG ईथर की उपस्थित में क्या मिल गया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया। इसी प्रकार C2H3Br+MgO जी है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 5 होगा, C2H5Br+MgO ईथर की प्रेजेंटेशन में क्रिया कराए तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रयोगशाला में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि प्रयोगशाला में बनाने के लिए एक गोल पेंदे के फ्लास्क ले लेंगे, इस गोल पेंदे के फ्लास्क में 3 ग्राम साफ मैग्नीशियम का चूर्ण 50 मिली एल्कोहल मुक्त ईथर ले लेते हैं। ठीक है, इस फ्लास्क में आप देखेंगे कि फ्लास्क जो होता है इस टाइप, ये देखिए ये फ्लास्क है, इसमें क्या है मैग्नीशियम सल्फेट इन ईथर, वाटर वॉथ है यानी वाटर के अकॉर्डिंग गर्म किया जाता है, एल्किन हैलाइड डिजोल्व इन ईथर, CaCl2 ट्यूब लगी हुई, तो ये इसका डायग्राम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए, ये वाला डायग्राम आप बना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चित्र अनुसार, जैसे मैंने बता दिया कि क्लोराइड रक्षक नली जिसे CaCl2 ट्यूब कहते हैं, ये रिफ्लेक्शन के या संघनित का काम करती है। फिर फ्लास्क में संघनित के द्वारा ईथर में घुले हुए एल्किन हैलाइड का क्या किया जाता है कैलकुलेट किया जाता है, परिकलित किया जाता है, मात्रा मैग्नीशियम के परमाणुओं के लिए एक अणु एल्किन हैलाइड के बराबर होती है, यानी कि बूंद बूंद करके डालते हैं। यह अभिक्रिया कब तक करते हैं,
होनी चाहिए जब तक कि फ्लास्क को करते रहेंगे, उसके बाद जब तक कि अब क्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती ये क्रिया करते रहेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जल ऊष्मा जो गर्म पानी में इसको रख देते हैं। फ्लास्क में एक दो टुकड़े आयोडीन, किसके एक दो टुकड़े किसके आयोडीन के डाल देते हैं। अब क्रिया प्रारंभ, क्योंकि हमने बताया था आयोडीन क्या है, हैलाइड है, मैग्नीशियम क्या है इसके साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है, एल्किन हैलाइड, एल्किन हैलाइड में बताया ना कोई भी एल्किन, जब मैग्नीशियम घुल जाता है तब स्वच्छ जल विलयन प्राप्त होता है, यह ग्रीनाक अभिकर्मक है, ठीक है। सावधानी क्या रखनी चाहिए, उपकरण को साफ रखना चाहिए, अभिकर्मक की सूक्ष्म मात्रा भी उपस्थित रहती है तो ग्रीनाक अभिकर्मक नहीं बनेगा, इसलिए उपकरण तथा अभिकर्मक जल पूर्णतः मुक्त रखना चाहिए। उपकरण को पूर्णतः सूक्ष्म कर लिया जाना है, सूखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ईथर, जब हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बना रहे होते हैं तो ईथर इसे बार बार जल से धोया जाता है जिससे इससे अल्कोहल की मात्रा पूरी तरह मुक्त हो जाए, फिर इसे निर्जल कैल्शियम क्लोराइड पर सुखाकर सोडियम या फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ आश्वित किया जाता है। एल्किन हैलाइड इसे फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के ऊपर सुक्स किया जाता है। मैग्नीशियम चून को पहले ईथर के साथ धोया जाता है जिससे चिकनाई दूर हो जाए, फिर ऑक्साइड फिल्म दूर करने के लिए तनु SCl धोते हैं, इसके बाद वायु भट्टी में 110 सेल्सियस पर सुखाते हैं। अभिक्रिया सूक्ष्म नाइट्रोजन या वायुमंडल में करनी चाहिए। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर विलयन का कार्य करता है, ईथर की अनुपस्थित में यह अभिक्रिया रुक जाती है, यानी ईथर का होना अत्यंत आवश्यक है। अभिक्रिया में एल्किन हैलाइड में घुलनशील इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर जम जाता है। बेंजीन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जिसे THF भी विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था ऑर्ग मैग्नीशियम कंपाउंड जो होता है उसके लिए मैं बता, ऑर्ग मैग्नीशियम कंपाउंड मीन्स मैग्नीशियम को ही कहते हैं, कार्ब धात्विक मैग्नीशियम कंपाउंड क्या कहलाता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला चैप्टर में है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद है आपको मतलब आगे की जो प्रोसीजर है कि इसको फर्मेंटेशन कैसे किया जाता है, फिर इसमें रिफॉर्मेस्टिक अभिक्रिया इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ये जो चैप्टर है आपका इसके अकॉर्डिंग ही है। तो ये क्या कहलाती, अल्फा ब्रोमो एस्टर तथा कार्बोनिल यौगिक के बीच की जो क्रिया होती है जिंक की उपस्थित में, उसे हम बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है, इसे रिफॉर्मेस्टिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके बेटा, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट कल बताऊँगी। थैंक यू।